जी तो ये है मेरी वीडियो का पार्ट टू यहाँ पे जो है मैं आपके साथ जो है पीच परफेक्टर और साथ में जो है मैं ये क्या कहते हैं दीवन का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर जो कि स्पेशली 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 एंटी एजिंग और पोर मिनिमाइजिंग पर्पस के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये मेकअप के बाद जो आपकी स्किन फटी फटी हो जाती है ठीक है उससे जो है ये बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट देता है मतलब जो लोग कहते हैं कि बेस करने के बाद उनकी स्किन फट जाती है पैचेस बन जाते हैं तो अलग अलग नज़र आ रही होती है ठीक है तो ये उसका सलूशन है आप बेस अप्लाई करने से पहले ये लगाएं और इसको लगाए लगाने के बाद यानी कि पाँच मिनट बाद इसको आपने अप्लाई कर लिया है इसको लगाने के पाँच मिनट बाद आप कोई सी भी बेस अप्लाई कर लें इन आपकी बेस जो है वो नहीं आ, उसके पैचेस जो है वो नहीं बनेंगे और आपको फटी फटी नहीं लगेगी तो इसका जो है मैं आपको टेक्स्चर बता देती हूँ ये देखें ये इसका टेक्स्चर है और इसका शेड भी मैं आपको दिखा देती हूँ शेड इसका ट्रांसपेरेंट है मैं इसको ट्रांसपेरेंट ही कहूँगी ये देख सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑब्ज़र्व हो जाता है पता भी नहीं चलता कि लगाया हुआ है लेकिन ये आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है और मैंने इसको जो है विंटर्स में यूज़ किया था सॉरी समर्स में यूज़ किया था डेट वाज गुड फॉर ऑयली स्किन और अभी भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इट इज़ रियली गुड इट आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली ब्लेंड हो गया है और शाइनिंग शाइनिंग भी जो है आ रही है इसका मतलब कि इसको ड्राई वाले और इसका मतलब है कि आप इसको विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल बैलेंस कर देता है और इसके अलावा अभी मेरे पास जो है ये है ऑन कलर पीच परफेक्टर ठीक है ये भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बेस का रिज़ल्ट कैसा आएगा हैंड के ऊपर ही मैंने अप्लाई किया है और इतना से ही मैं लूँगी ठीक है क्योंकि ये बहुत इसकी कम क्वांटिटी यूज़ होगी देखें इसकी ब्लेंडिंग देखें इसका टेक्सचर देखें बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है वाइटिश लुक दे रहा है ठीक है पहले वाला जो हमारा पीच परफेक्टर था डैट वाज नियर टू पीची लुक बट ये पीची लुक है पिंकिश लुक है आप देख सकते हैं मैंने आपको कहा कहा था कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ होगी और ये देखें ये इसकी क्वांटिटी यूज़ हुई है और कितना अमेजिंग सा जो है इसकी बेस बन गई है बिल्कुल फ्लॉलेस बेस बन गई है और नेचुरल बेस बन गई है शायद अभी आपको स्क्रीन में सही नज़र आता हो जी ये जो है बेस बन गई है इसकी ये आप देख सकते हैं मेरा ये बिफोर एंड ये आफ्टर कितनी प्यारी अमेजिंग सी लुक आई है तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो अपना ख्याल रखिएगा दवा में याद रखिएगा हाफिज़